दिल तो हमारा न जाने कैसे आएगा, अपना दिल तो हमारा न जाने कैसे आएगा। We've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. तो अभी मैं आ गया हूँ शिमकेंट। ये एयरपोर्ट है, बिल्कुल छोटा सा है। रनवे पे प्लेन लैंड किया, एक दरवाजा था छोटा सा इस टाइप का, दरवाजे के साथ ही इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन के साथ ही एक दरवाजा था उसमें गए, कस्टम हो गया। 250-300 इससे ज्यादा नहीं होगा ये एरिया जहाँ पे ये ऑफिशियल काम होता है सारा। अभी देखते हैं यार कैसे जाना है, बस स्टेशन है शायद उधर, चलते हैं। मेरे को पैसे निकालने में कैश बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, मतलब यहाँ की जो करेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव टू विथड्रॉ सम कैश एंड देन मे बी टेक अ बस फ्रॉम देयर। दिख तो रहा नहीं है कहीं एटीएम, मैप में तो एटीएम यही दिखा रहा है, पता नहीं दिख नहीं रहा। और मेरे को जैसे शिमकेंट में आप लैंड करेंगे, शिमकेंट का जो अराइवल है वो छोटा सा है, उसके लेफ्ट में ना डिपार्चर वाला जो हॉल है उसमें चले जाइए, उसमें काफ़ी सारे एटीएम है, ये रहे काफ़ी सारे बैंक्स के हैं और इनमें से आराम से कैश निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी मेरे को कैश निकालना है, मैं बिल्कुल भी कैश नहीं लाया था, बस आ गया था, कुछ गड़बड़ हो जाती ना तो फंस जाता मैं, ऐसा सीन था। तो अभी मैं निकालता हूँ ज़रा कैश और देखते हैं कैसे काम करता है यहाँ का एटीएम वगैरह। ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मैंने डाल दिया इंग्लिश, फिर इस बैंक का 29 एंड कर कैश विड्रॉल कंटिन्यू। इनको निकालना है 65 ऑलराइट, कार्ड आ गया, आ गया और कैश भी आ गया भाई। ये तो रंग बिरंगे नोट आ गए भाई, 65 है, हाँ ठीक है 65 है, यानी 65 है ना, तो कुछ 12,000 के आसपास है ये इंडियन रुपी में। ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, वहाँ से शायद बस मिल जाएगी, उधर का ही है बस का स्टेशन या बस स्टॉप। ये मेरी तीसरी बस है और मैं अभी तक कहीं नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मैं बस इधर से उधर घूमे जा रहा हूं बसों में। हाँ, किसी को नहीं पता कि इस एड्रेस पे कौन सी बस जाती है। अभी टाइम गैस कर सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी टाइम हो रहा है 8:15 यानी 9:15, तो ये रात के 9:15 हो रहे हैं। बहुत ही तगड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे ना लैंग्वेज को लेके, सबसे पहले तो क्योंकि लैंग्वेज में यहाँ इंग्लिश नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है। ये जो एरिया है ये शिमकेंट है, ये इतना पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट के बीच में, तो यहाँ तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि किसी को इंग्लिश आती है। दूसरी बात, उसी इंग्लिश की वजह से मैंने 3 बसेस चेंज की अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उसके बाद भी नहीं पहुँचा, 9:45 हो गए यहाँ पे, 5 बजे मैंने पहली बस ली थी, तीसरी बस के बाद भी मेरे को 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता है अपने इंडिया जैसे ही है, यहाँ के हिसाब से 100 टेंगे मांगते हैं, वो कुछ 19 रुपये होते हैं इंडिया के हिसाब से, तो इतने की बस टिकट थी। तो जब से आया हूँ स्ट्रगल तो काफ़ी तगड़ा है, एयरपोर्ट पे भी इंडिया में स्ट्रगल काफ़ी तगड़ा था। मेरी बोर्डिंग कैंसिल हो गई थी ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को बोर्ड नहीं करने दे रहे थे वो, चेक इन में वहाँ पे इंडिया में टाइम लग गया। सीन कुछ ऐसा था, मेरी रिटर्न टिकट नहीं थी, मैंने रिटर्न टिकट नहीं मतलब करवाई थी, डमी करवाई थी, तो डमी जो थी उन्होंने वो मेरे को भेजी एयर अस्ताना फ्लाइट की, जो फ्लाई एयर अस्ताना कंपनी है, एयर अस्ताना उसकी पेरेंट कंपनी है। मेरी एयर अस्ताना वाली रिटर्न फ्लाइट की डिटेल्स डाली अपने उसमें, अब क्योंकि वो काउंटर एयर अस्ताना का खुद का ही था, फ्लाई एयर अस्ताना का खुद का काउंटर नहीं है, एयर अस्ताना हैंडल करता है उसको, उन्होंने डिटेल्स डाली, कह रहे नहीं ये टिकट वैलिड नहीं है। मैंने फिर उधर बात की अपने जहाँ से मैंने बुक करवाई थी, उन्होंने दोबारा मेरे को नई टिकट भेजी, मतलब वही PNR भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं सर अभी भी नहीं चलेगी। फिर वहाँ पे जो उनका जो मतलब सीनियर जो ऑफिसर था काउंटर पे, उनको दिया गया मेरा केस, तो उन्होंने डाल के देखी डिटेल्स, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये तुम्हारी टिकट वैलिड नहीं है, इसकी पेमेंट नहीं हुई है और ये 14 तारीख को कैंसिल हो जाएगी। कुछ 55,000 की टिकट थी वो, उन्होंने पूछा कि आपने पेमेंट कर दी है क्या इसकी? मैंने कहा सर देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, यह है डमी टिकट, मेरा प्लान नहीं है कुछ भी श्योर, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, तो मेरे को इसका सहारा लेना पड़ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है, उससे कुछ काम हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो कर दो, इनका उज़्बेकिस्तान का वीज़ा दिखा दो और रोड के थ्रू कर दो, इनको निकाल दो। अगर डमी टिकट बुक कर रहे हो ना तो उस एयरलाइन के साथ मत करो जिस एयरलाइन से तुम जा रहे हो, उस एयरलाइन की पेरेंट कंपनी से भी मत करना, क्योंकि होता क्या है कि इनको पता है अपने एयरलाइन का सिस्टम, तो ये डीप में घुस के चेक करते हैं और ये सारी डिटेल निकाल लेते हैं और फिर बोलते हैं कि जाओ भैया तुम्हारी बोर्डिंग नहीं होगी। मेरे को कस्टम पे भी ले गए,
कस्टम पे भी वहाँ 10-15 मिनट तो खराब हुए, कुछ नहीं ऐसे टाइम पास वाले सवाल पूछ रहे थे, ऑफिसर है उस लेवल की बात नहीं कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म नहीं थी बातों में। या कस्टम का पता नहीं नया खेल शुरू किया इन्होंने, रैंडमली किसी को भी कस्टम के लिए पिक कर लेते हैं, या पहले भी होता था लेकिन मैंने फेस नहीं किया था पहले। फिर मैं लाउंज में गया, लाउंज में भी मेरा कार्ड पता नहीं क्या उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, कुछ कह रहे कि अब ये वाली ऐप चाहिए। मैंने कहा बाहर में जाओ, आज मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ गेट की तरफ भागा, 2 मिनट गेट पर जाके पहुँचा और बैठा और फिर बोर्ड कर गया फ्लाइट। तो आज का दिन कुछ खास रहा नहीं इस मामले में, थोड़े डाउन एंड डाउन ही थे, अब तो कुछ था ही नहीं आज के दिन। ठीक है, एक्सपीरियंस है, भूख लगी है मेरे को, मैंने सुबह से ना कुछ नहीं खाया था, मैं लाउंज के भरोसे चला तो गया था पर ऐसा बैठ गया ना वहाँ पे जाके काम कुछ नहीं हो पाया, मेरे को प्यास लग रही थी, पानी मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। तो मैंने यहाँ पे आके ये बोतल ली है, ये मिली है मेरे को 250 टेंगे की, एक छोटी सी दुकान थी उसमें गया, पानी की बोतल तो 1-2 रखी थी वहाँ, सोडा की बोतल रखी हुई, मेरे को लगा पानी है, मैंने उठा ली, खरीद ली, कह रही 250 की है, मैंने दे दिए 250 टेंगे। उसके बाद जब उसको खोला उसमें से गैस निकली, मैंने एकदम से बंद किया, मतलब मैं बाहर आ गया था दुकान से, हल्का सा मैंने सील नहीं तोड़ी थी उसकी, बस ऐसे ही हल्का सा करते सील से पहले भी गैस निकलती है ना, वो वाली गैस निकली। मैंने दोबारा बंद करके उसको कहा कि मेरे को पानी चाहिए क्या है ये, कह रही ले लो गैस वाला है। मैंने कहा गैस वाला नहीं चाहिए मेरे को, पानी चाहिए, प्यास लगती है। मैंने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिया उनको इमिग्रेशन पे, उन्होंने रिटर्न टिकट भी नहीं मांगी, कुछ होटल बुकिंग कुछ नहीं मांगी, पर मांग सकते हैं, उनके पास पूरे राइट्स हैं, तो रखना, ये नहीं कि मेरे से नहीं मांगी तो आपसे भी नहीं मांगेंगे, अगर आ रहे हो तो पूरा प्रूफ रखना बढ़िया से। गजब हो रहा है, जिन एशियन कंट्रीज में मैं गया हूँ और फिर मैं यहाँ आया हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक के जो रूल्स हैं ना वो लोग ढंग से फॉलो करते हैं। मैं फुटपाथ पे खड़ा हुआ था रोड क्रॉस करने के लिए, गाड़ी आ रही थी 2-3, सबने देखा कि रोड क्रॉस करनी है इसको, सारी अपने आप रुक गई, मतलब मैं रोड पे भी नहीं था। और जैसे होता है ना कि जब तुम क्रॉस कर रहे होते हो तब गाड़ी रुकती है, वो अलग बात है, मैं तो क्रॉस भी नहीं कर रहा था, वो रुक गए अपने आप। ये चीज़ बढ़िया लगी, अभी तो आए हैं, अभी तो जानेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और ये शिमकेंट है, कोई इतनी बड़ी अलमाटी और अस्ताना जैसी सिटी भी नहीं है, यहाँ का एयरपोर्ट ही 300 गज के प्लॉट में बना हुआ है। 9:30 बज गए, चल रहा हूँ अभी भी। यार यहाँ एक चीज़ देखी मैंने, ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है ना यहाँ पे, इसकी जो दीवार है इस पे पेंटिंग की गई है, और यहाँ पे सिर्फ इस पे ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी है सब पे पेंटिंग हो रखी है साइडों में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यार मैं लिफ्ट लेने की सोच रहा हूँ लेकिन अब अंधेरा भी हो रहा है। तो रात के 12:20 हो गए और मैं अपने हॉस्टल में 40 से 45 मिनट पहले आ गया था। ये हॉस्टल काफ़ी महंगा पड़ा है मेरे को, 800 कुछ का पड़ा है, पता नहीं मैंने क्या सोच के बुक किया, और मैंने शायद ये डमी के लिए मैंने बुक किया था और मैं आके इसी में रुक गया। ऐसा कुछ हिसाब किताब है, ऐसे बेड्स लगे हुए हैं, ऐसे बेड्स लगे हुए हैं, और बढ़िया बात है कि अभी कोई है ही नहीं था, सिर्फ मैं हूँ। ये कबर्ड दिया गया है, ये मेरा सामान रखा है, मैंने ये वाला बेड ले लिया, उन्होंने कहा था कि कोई सा भी बेड ले लेना, सबसे आगे वाला लेंगे, वहीं पे अपनी अलमारी है, पास पास सही रहेगा। इधर मेरे को चार्जिंग पॉइंट मिल गया है, क्योंकि सब बेड पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ उधर सेंटर में 2 लगाए गए हैं और इधर 1 है और शायद इधर 1 होगा कहीं, इधर का तो लेने का मतलब ही नहीं है वैसे, है क्या? नहीं है, इधर है ही नहीं। साफ़ सफाई के मामले में अच्छा है, सही है, पर काफ़ी महंगा है, वर्थ इतना लग नहीं रहा, तो मैं कल शायद चेकआउट कर दूंगा सुबह और कहीं और जाके रुकूंगा अपना। थक गया आज मैं, शायद पता नहीं कितना किलोमीटर चलाऊँ, 15 से 16 किलोमीटर चलाऊँ, एक बार चेक करता हूँ मैं। फोन तो 15.3 किलोमीटर, दैट्स गुड, बढ़िया है, इससे चलना भी हो जाता है। तो चलते हैं अब उधर, अपने पलंग पे कूदते हैं और आज की वीडियो बंद कर देते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। YouTube पे आए हो तो अपनी YouTube की जो प्रथा है वो पूरी कर देना, क्या बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है।